हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशल फॉर्म ऑफ डिस्क के बारे में। इसके पहले वीडियो में बात की गई थी ईटों का परीक्षण टेस्टेस ऑफ डिस्क के बारे में। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट थे जो इसके पहले वीडियो में कंप्लीट कराए जा चुके हैं, और आज हम बात करेंगे ईटों के विशेष आकार के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो आपको पहले बता दिया जा रहा है कि इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। चिनाई में कई स्थानों पर मानक ईंटों को काटकर या तराशने का मतलब होता है ईंटों को कोई विशेष आकार देना, वो तराश कर लगाना होता है चिनाई के जोड़ों की सत्यता भंग करने के लिए, ताकि जो उनके जोड़ हैं एक सीध में ना आए के लिए, या प्लिंथ, कॉर्निस, पैरापेट या जैन पर विशेष आकार बनाने के लिए क्या की जाती हैं, ईंटें लगाई जाती हैं स्पेशल शेप की। तो आइए देखते हैं ईंटों के विशेष आकार क्या क्या हैं। तो पहला है किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, बैट, डीप फ्रॉग ब्रिक्स, स्क्विंट ब्रिक्स, बुल नोज ब्रिक्स, काउ नोज ब्रिक्स, वेज ब्रिक्स, स्प्लेट ब्रिक्स, बीवल क्लोजर, कैंट ब्रिक्स, कॉर्निस ब्रिक्स, लिंथ ब्रिक्स, कोपिंग ब्रिक्स, परफोरेटेड ब्रिक्स, हॉलो ब्रिक्स या ब्लॉक ब्रिक्स, ड्रेन ब्रिक्स, और लास्ट है हमारा पेविंग ब्रिक्स। इतनी शेप की ब्रिक्स हैं इसमें। आज हम आपको इस वीडियो में स्प्लेट ब्रिक्स तक कंप्लीट कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की ब्रिक्स के बारे में बताया जाएगा। तो पहला है हमारा किंग क्लोजर। यह एक आयताकार ईंट जिसमें एक कोने कटे होते हैं। आयताकार ब्रिक्स का जो एक कोना होता है वह कटा होता है, उसे हम किंग क्लोजर कहते हैं, और इसका प्रयोग हम दरवाजे, खिड़कियों के तिरछे जैम में बनाने के लिए किया जाता है। जो हमारे ओपनिंग होती है दरवाजे खिड़कियों की ऐसे होती है, जो इसकी साइड की दीवार होती है उसे हम कहते हैं जैम। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल में जो साइड की दीवार होती है उसे हम जैम कहते हैं। तो ये है हमारा किंग क्लोजर ब्रिक्स। किंग क्लोजर है, इसकी लंबाई का आधा कर देते हैं यहाँ से, और इसकी चौड़ाई का भी आधा करके हम इसको डायगोनल शेप में काट देते हैं, जिससे इसका एक कोना निकल जाता है, तो हमारा किंग क्लोजर बन जाता है। और दूसरा है हमारा क्वीन क्लोजर। जब ईंटों की मोटाई को आधा कर दिया जाता है, मतलब जब ईंटों की मोटाई को आधा कर दिया जाता है परंतु लंबाई वही रहती है, तो इसे क्वीन क्लोजर कहते हैं। इसका प्रयोग चिनाई में ऊर्ध्वाधर जोड़ों की सत्यता भंग करने के लिए किया जाता है। आइए दिखाते हैं इसका डायग्राम आपको क्वीन क्लोजर का। तो ये है हमारा क्वीन क्लोजर। ये हमारी पूरी ईंट है। जब ईंटों को हम चौड़ाई में काट देते हैं, उसकी चौड़ाई हम आधी कर देते हैं और लंबाई वही रहती है, तो हमारा वह क्वीन क्लोजर कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ईंटों की जो चुनाई की गई है इसमें, ये और ये दर्शाया गया है क्वीन क्लोजर। ये भी है हमारा क्वीन क्लोजर, ये भी है, ऊपर वाला भी, सब क्या है क्वीन क्लोजर है। यह हमारा इंग्लिश बॉन्ड चुनाई है, इंग्लिश बॉन्ड है। इसके जो सब नीचे वाले हैं ब्रिक्स जो है ये सब स्ट्रेचर हैं, और ऊपर वाली हीडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हीडर,
अगर हम स्ट्रेचर के ऊपर हीटर लगा देंगे तो दो हीटर लगाने पर हमारी जो जॉइंट है वह क्या हो जाएगी, एक के ऊपर एक मिल जाएगी, जहां हमारा जोड़ क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हम जोड़ों की सत्यता को भंग करने के लिए, ताकि जोड़ हमारे एक सीध में ना आए, इसलिए हम विंड क्लोज़र का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हुआ हमारा स्ट्रेचर हुआ, अब इसके ऊपर अगर हम दो हीटर लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जॉइंट के ऊपर जॉइंट आ जाएगा, यहाँ कॉन्टिन्यूस जॉइंट लगातार आ जाएंगे। तो इसलिए हम इनको अवॉइड करने के लिए, ताकि जोड़ हमारे एक सीध में ना आए, इसके लिए हम यहाँ पर विंड क्लोज़र लगाते हैं, फिर उसके बाद हीटर लगाते हैं, तो हमारा जोड़ आगे चला जाता है या कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाता। ये है हमारा विंड क्लोज़र है। तीसरा है हमारा बैट्स। यह फ्लेमिश तथा तिरछी चालों मतलब बॉन्ड में प्रयोग किए जाते हैं। बैट फ्लेमिश तथा तिरछी चालों में प्रयोग किए जाते हैं। तो यह है हमारा हाल्फ बैट और यह है हमारा थ्री क्वार्टर बैट्स हैं। इसका एक चौथाई भाग निकाल दिया गया है और तीन चौथाई भाग ये बचा हुआ है, और ये है हमारा हाल्फ बैट। चौथा पॉइंट है हमारा डीप फ्रॉग ब्रिक्स। तो ईंट का भार कम करने के लिए जो इसका फ्रॉग होता है, दिल्ला होता है, उसे गहरा रखा जाता है, और हल्की दीवारों फर्शों तथा छतों के लिए यह ईंट उपयुक्त होती है। तो गहरा दिल्ला जिसमें होता है वह ईंट कहाँ यूज़ की जाती है, हल्की दीवारों में, जैसे पार्टीशन वाल हो गई वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, फर्शों में तथा छतों के लिए यह ईंट उपयुक्त होती है। तो ये है हमारी डीप फ्रॉग ब्रिक्स। इसमें जो ये फ्रॉग है इसकी जो गहराई है वह 2 सेंटीमीटर से अधिक होगी। जो हम लोग की स्टैंडर्ड ईंट होती है 19x9x9 सेंटीमीटर, उसमें जो फ्रॉग होता है हमारा, इसमें जो फ्रॉग होता है वह 1 से 2 सेंटीमीटर गहरा रखा जाता है, और जब डीप फ्रॉग ब्रिक्स होगी हमारी, उसमें जो फ्रॉग की गहराई होगी वह 2 सेंटीमीटर से अधिक होगी। पांचवा है हमारा स्क्विंट ब्रिक्स। इसमें ईंटों को 90 डिग्री से कम या अधिक का कोण दिया जाता है। इसमें ईंटों को क्या करते हैं, एंगल में डिवाइड करते हैं, एंगल देते हैं ईंटों को। इसका प्रयोग तिरछा कोने के निर्माण में किया जाता है। जहां हम कोनों को तिरछा कर देते हैं वहां इसका हम प्रयोग करते हैं, या टर्निंग पॉइंट पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये है हमारी स्क्विंट ब्रिक्स। इसमें जो एंगल होता है 90 डिग्री से कम होता है या अधिक होता है, परंतु 90 नहीं होता है, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ये हमारी स्क्विंट ब्रिक्स है, स्क्विंट ब्रिक्स। इस प्रकार हम इसका यूज़ करते हैं जब कोनों को हमें क्या करना होता है, तिरछा करना होता है। कोनों को तिरछा करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ये इसका कॉर्नर हो गया, कॉर्नर इसका क्या है, तिरछा है, इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारे स्क्विंट ब्रिक्स लगी हुई है, ये है ये। अब हम बात करेंगे बुलनोस ब्रिक्स के बारे में। बुलनोस ब्रिक्स, ये ईंटें 2 संगम दीवारों के तीखे कोनों को गोलाकार बनाने में प्रयोग की जाती हैं। जहां 2 दीवारें आकर मिलती हैं
जहाँ दो दीवारें आकर मिलती हैं उनके जो कोने होते हैं उनको क्या करते हैं, गोलाकार बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? बुलनोज वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं बुलनोज वृक्ष कैसे दिखाई देती है। ये है हमारी बुलनोज वृक्ष, बुलनोज वृक्ष है। ऐसी ही ईंट, जब हम एक दीवार यह हो गई, एक दीवार यह हो गई, जब हम इसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो जो हमारा कॉर्नर होगा वह हमारा गोलाकार होगा। जब कॉर्नर को हमको गोलाई देनी होती है तब हम बुलनोज वृक्ष का यूज़ करते हैं। अगला है हमारा काउनोज वृक्ष। ये ईंटें दीवार में ऊपरी सिरों पर लगाई जाती हैं, दीवारों में ऊपरी सिरों पर लगाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे दिखाई देती हैं। ये है हमारी काउनोज वृक्ष, काउनोज वृक्ष है हमारी। इसमें जो कॉर्नर होते हैं ईंटों के वह नहीं होते हैं या पूर्णतः गोलाई लिए होती है ईंट। बुल काउनोज वृक्ष, और इसका प्रयोग हम जनरली करते हैं कोपिंग के लिए। यहाँ से वर्षा का जो पानी होता है वह ऐसे ऐसे चला जाता है तो ऊपरी जो सतह होती है उसको ढालू रखने के लिए, स्लोप प्रोवाइड करने के लिए हम काउनोज वृक्ष का यूज़ करते हैं। आठवां है हमारा वेज वृक्ष। ये ईंटें आर्चेस या डाटो, कुओं तथा चिमनियों की वक्रता के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी आर्च होती है, कुआँ होता है, चिमनियों की जो चिमनी होती है वह पूर्णतः क्या होती है, वह वक्राकार होती है, वक्र ऐसे ऐसे टाइप की होती है, वक्राकार होती है, के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं वेज वृक्ष का। आर्चों के लिए, कुओं के लिए, चिमनियों की वक्रता के लिए हम वेज वृक्ष का प्रयोग करते हैं। ये है हमारी वेज वृक्ष, वेज वृक्ष है ये हमारी, ऐसे साइज की होती है, ऐसे दिखाई देती है। जैसे ये हमारा आर्च हो गया, ये आर्च है, इसमें हम किसका प्रयोग किए हैं, वेज वृक्ष का प्रयोग किया गया है। इसमें आर्च में वक्राकार स्थिति को लाने के लिए जो वक्र में होते हैं उनके लिए हम वेज वृक्ष का प्रयोग करते हैं। नौवां है हमारा स्प्लेड वृक्ष। ये ईंटें कुर्सी तल पर सुंदरता के लिए लगाई जाती हैं। जो प्लिंथ लेवल होता है हमारा उस पर यह लगाई जाती हैं सुंदरता के लिए, स्प्लेड वृक्ष। तो ये है हमारी स्प्लेड वृक्ष, स्प्लेड वृक्ष है हमारी, SPLAYED, स्प्लेड वृक्ष। ये है हमारा प्लिंथ लेवल, इसकी सुंदरता के लिए हम स्प्लेड वृक्ष का यूज करते हैं। ये हमारी स्प्लेड वृक्ष लगी हुई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम इसके आगे के जो शेप हैं उनके हम बारे में चर्चा करेंगे, जैसे बीवल्ड क्लोजर, कैन क्लोजर, सबके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन है, आपको जो बताना है कमेंट बॉक्स में, वह है क्वीन क्लोजर क्वार्टर, क्वीन क्लोजर क्वार्टर के बारे में आपको बताना है, यह कैसा होता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वीन क्लोजर क्वार्टर हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू, दैट्स ऑल।